हेलो गाइस, वेलकम बैक हो गया तुम सबका एंड अदर व्लॉग के अंदर। गाइस आज सुबह सुबह उठ गए हैं, उसकी वजह ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है हमारी, मतलब 8th सेमेस्टर का आज फर्स्ट डे है। तो हम किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता, मैं बेसिकली एक कॉलेज में पढ़ता हूँ, एफिलिएट कॉलेज है कोई, तो वहाँ पे पढ़ता हूँ। मैं उस कॉलेज का नाम नहीं लेना चाह रहा, मैं नहीं चाहता वो कॉलेज पर मौत हो, बड़ा हरामी हो बेटा, कोई बच्चा वहाँ पे एडमिशन ले, क्योंकि पता नहीं मुझे उसकी मैनेजमेंट वो इतनी अच्छी नहीं लगती। क्या मैं क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज कराओ। तो उठ गए, नहा वगैरह लिया था, नाश्ता वगैरह कर लिया था, रेडी शेडी हो गए थे, अब निकलने लगा था कॉलेज की तरफ। तो कॉलेज जाके आपको अपनी क्लासेस और उसका टूर वगैरह करवाते हैं। ओके बाकी दूसरा ये है कि वहाँ पे जाकर अपने दोस्तों से मुलाकात करते हैं काफ़ी अरसे बाद, तो बाकी बच्चों से भी मिलते हैं, कैसा माहौल होगा देखते हैं फर्स्ट डे कैसा होता है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। तो आप मेरे चैनल को करते हैं सब्सक्राइब, लाइक शेयर और कमेंट करते हैं अगर आप नए हैं तो। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, बाकी मैं कॉलेज नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आपसे मिलता हूँ, तब तक आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते हैं यार। चले जल्दी करें, जल्दी जल्दी जल्दी, मैं बस निकल रहा हूँ। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली फुर्सत में भूसड़ी के निकल। तो वहाँ पर जाकर आपसे मिलता हूँ। One hour later. तो गाइस फाइनली वी आर इन आवर कॉलेज। ये वॉशरूम, यहाँ पे सबसे पहले आकर दर्शन देने होते हैं। उसकी वजह ये है कि हमने आगे मुँह हाथ धोना होता है, वो धो लिया है। अब क्लासेस देते हैं, टाइम बहुत लेट हो गया, मैं क्लासेस देने के बाद मैं क्लास में जाकर आपसे मिलता हूँ। One hour later. गाइस मैं कॉलेज गया था, कोई आया नहीं था, अकेले थे क्लास में बैठा हुआ था, तो इस वजह से मैंने ब्लॉगिंग बनाया वहाँ पे। बड़ा हरामी हो बेटा, क्योंकि फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे आपको पता कोई भी नहीं था, टाइम टेबल भी इतना नहीं मिला, बच्चे तो आए नहीं आए, सर भी नहीं आए। वाओ ब्यूटीफुल, तो इस वजह से फिर ब्लॉग नहीं बनाया। अब मैं आ गया हूँ अपने प्लॉट पे, तो यहाँ पे काम शाम देख रहा हूँ, यहाँ से फ्री होकर जाना है घर। घर जाके मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जो रात को मेरे साथ हुआ है, और मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड करना ही भूल गया हूँ, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको वो पूरा व्लॉग बताऊँगा और दिखाऊँगा मैं क्या चीज़ लेके आया हूँ इंशाल्लाह। अभी यहाँ से फ्री होते हैं, अभी तो थका बहुत हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा ऊपर से बाहर, आपको पता है शदीद धूप पड़ रही है, शदीद धूप पड़ रही है, तो इस वजह से ना फिर वो जिसम में जान नहीं रहती, तो इस वजह से मैं व्लॉग अब यहाँ से निकलूँगा, तो फिर मैं देखता हूँ आगे मेरा क्या प्लान है, क्योंकि एक दो प्लान और हैं, तो इंशाल्लाह अब आपको घर जाके मिलता हूँ मैं। One hour later. गाइस मैं यहाँ से फ्री हो गया हूँ, मैं अब जा रहा हूँ घर, सर वगैरह बांध लिया क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, सर पे डायरेक्ट पड़ती है, तो उससे ही स्ट्रोक भी हो सकता है और डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, लू भी लग सकती है। क्या मैं क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज कराओ। तो अब हम घर जाके मिलता हूँ आपसे। बाकी देखिए नीचे से तकरीबन कुछ तैयार वगैरह तो हो, साला प्लस्तर तो हो गया है, अब आपसे घर जाके मिलते हैं। One hour later. अच्छा तो गाइस कल हम गए थे रोटी लेने, अकबर चौक से रोटी लेने गए थे, हम ये लेके आए हैं, ये लेके आए हैं जो दो बकरे, एक ये और एक ये, लेने हम गए थे रोटी घर से। तो रास्ते में उसको सालन का कहा, मैं सालन गया के चला गया हूँ बकरे वालों के पास, उससे भाई मेरी होगी डील, और मैंने ये किसान को कहा कि भाई आ जाओ अपने बकरे ले जाओ आन के, तो ये कल मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मोबाइल मेरा घर था उस वजह से मुझे ज़रा रिकॉर्ड नहीं कर सका मैं ये, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कज़न के बकरे हम ले आए थे कल। बाकी अभी और जानवर आने हैं, वो अभी ईद के पास जाएंगे, क्योंकि इन दोनों ने मैं घुमा मारा है घुमा। हाँ अनिश, अनिश जी किसके मेमे हैं? किसका है ये, किसका है वो? तो अब मैं घर आ गया था, मैं यहाँ से कर रहा हूँ ब्लॉग को एंड, क्योंकि अब मुझे बकरों को संभालना है, तो हम कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, नहीं यहाँ मेरे चैनल को करते हैं सब्सक्राइब, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, बाकी मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।